गाइस, अभी अभी टिकटॉक से रिलेटेड एक न्यूज आई है और मुझे इस बात का थोड़ा दुख है, इसलिए क्योंकि मैंने इतने मेहनत से आप लोगों का प्यार कमाया था और एक पल में सब चला जाएगा और मुझे इस बात का बहुत दुख होगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोगों से दूर जाऊं और एक छोटी सी गुजारिश है, आप लोग मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाइए। मैं आप सबको खोना नहीं चाहती गाइस, मेरे प्रोफाइल में जाके यहां पे क्लिक करके इंस्टाग्राम पे मुझे प्लीज फॉलो कर दो। मैं आप सबको खोना नहीं चाहती गाइस। ये टिकटॉक गलत नहीं था, टिकटॉक गलत नहीं था। कितने लोग हैं इससे जिनका ये हिंदुस्तान में टैलेंट बाहर आ रहा था, जो गली कुचे में झोपड़ी में रहने वाले लोग अपना टैलेंट बाहर निकाल रहे थे। क्या हुआ बहन, रो क्यों रही है? अरे अब हम गुजरा कहाँ करेंगे? कोई नहीं बहन, मैं नौकरी ढूंढ लूंगा। टिकटॉक बैन होने के बाद कुछ लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। सबसे पहले वो लोग जो थोड़े से लॉजिकल हैं, जिन्हें लग रहा है कि इस बैन की वजह से चाइनीज गवर्नमेंट पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा और आगे की नेगोशिएशन थोड़ी आसान हो जाएगी, उन लोगों के साथ मैं भी पूरी तरीके से खुश हूं और सहमत हूं। दूसरी तरह के वो लोग जो समझते हैं कि इन ऐप को अनइंस्टॉल करने का मतलब है देशभक्त बन जाना, तो ऐसे नकली देशभक्तों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आप अभी तक यहां पे कमेंट कैसे कर पा रहे हो अगर आपने ऐप अनइंस्टॉल कर रखा। हेलो फ्रेंड्स, सुना है कि टिकटॉक बैन हो गया है, तो मुझे तो सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगा। मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा तो सर दर्द के मारे फटा जा रहा है और मेरा इतना प्यार टिकटॉक पे करने वाले हर, मैं क्या बताऊँ, मेरे तो बोल भी नहीं निकल रहा है। हेलो गाइस, इट्स पंडित दिस साइड। और जैसा कि मुझे अभी पता चला कि 59 एप्लीकेशंस टिकटॉक के साथ हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दी है, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के हित में है और इससे हमारे देश को, हमारे इंडियन आर्मी को फायदा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जो मेरे चाहने वाले हैं वो नाराज ना हो, हम दूसरी एप्लीकेशन पे जरूर मिलेंगे, इंस्टाग्राम। मेरे टिकटॉक प्रोफाइल पे जाके इंस्टाग्राम पे क्लिक करना है, आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे पहुंच जाएंगे। मेरा यूजर नेम नीचे मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूजर नेम, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, आई अंश पंडित, फेक आईडी को फॉलो मत करना, रियल आईडी है। और हो सके मेरी भी लास्ट वीडियो जब तक मैं डाल पाऊंगा तब तक मैं डालूंगा, क्योंकि तुम्हारा भाई ओरिजिनल क्रिएटर है। कभी लिपसिंग कर दे तो कर दे, कभी कभी जो ट्रेंड चल रहा है। बाकी लव यू मेरे भाई, ऐसे ही सभी को प्यार और प्यार देते रहे जैसे आपने मुझे यहाँ दिया इंस्टाग्राम पे भी। जल्दी तो मैं आदर्श आनंद भागलपुर बिहार से, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि क्या चल रहा है और ये मेरा थैंकिंग वीडियो है, आप लोगों को थैंक यू कहने के लिए आया हूँ और अलविदा अब यहाँ से, क्योंकि थैंक यू इसलिए कहने के लिए आया हूँ क्योंकि जो भी मुझे खासा पहचान अगर मिली है तो इस प्लेटफॉर्म से मिली है, आप लोगों ने मुझे दिया है जो कि आप मुझे देख भी रहे हो। तो मैं बस यही कहने के लिए आया था कि मैं तो आपको बहुत ज्यादा मिस करूंगा, बहुत ही ज्यादा मिस करूंगा। आज मैं उन तमाम पॉपुलर क्रिएटर्स और सभी क्रिएटर्स से एक बात कहना चाहता हूँ कि टिकटॉक ने आपको जो कुछ भी दिया है ना, पैसा, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन, जो कुछ भी दिया है ना टिकटॉक ने दिया है, ऑडियंस ने दिया है, सो टिकटॉक आज अकेला पड़ गया है, मैंने महसूस किया आज। इसीलिए आज मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि अंदर से इच्छा नहीं हुई यार, क्योंकि कोई टिकटॉक के सपोर्ट में नहीं है, ये बैन हो जाने वाला है, सब मुझे यहाँ पे फॉलो करो, सब मुझे यहाँ पे फॉलो करो, सब इसी में लगे पड़े हैं। सो ऑल द पॉपुलर क्रिएटर्स, प्लीज़ स्टैंड विद टिकटॉक। इस वीडियो के बाद मैं सभी वीडियोस टिकटॉक के सपोर्ट में देखना चाहता हूँ। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ स्टैंड विद टिकटॉक। हेलो गाइस, अभी अभी हमें पता चला है कि टिकटॉक बैन हो गया है। बहुत ज़्यादा गलत हुआ, बट अभी क्या कर सकते हैं, बट चाइना वालों ने भी बहुत ज़्यादा गंदा करा इंडिया के साथ। देखो माना टिकटॉक ने यहाँ से यहाँ लेके आया, बट अभी क्या कर सकते हैं, वो हमारे साथ अकेले के साथ तो हो नहीं रहा है, सबके साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है तो हमें तो माननी ही पड़ेगी, और मैं तो मान रहा हूँ टिकटॉक हो चुका है बैन। अभी आप क्या कर रहे हो, जो हमारी सोनी मैनिक फैमिली है, एमी आर्मी फैमिली है, वो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो जल्दी, टू फास्ट मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, वहीं पे हम बात करेंगे वीडियोस वगैरह का, वहीं सिलसिला भी स्टार्ट होगा। ये नहीं है कि हम टिकटॉक चला गया हम भी चले गए, ऐसा कुछ नहीं है, प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, बस बंदे को उठने की देर होनी चाहिए। बिल्कुल ओके, तो मैं मेंशन कर दूंगा, प्लीज आप सोनी मैडम को जरा फॉलो करें इनके थोड़ा। मुझे सपोर्ट करो। ओके ओके गाइस, और हम YouTube पे भी बहुत जल्द आएंगे। कंटेंट बनाने वाले और टैलेंटेड लोगों को
कोई भी प्लेटफॉर्म पे जगह मिल जाएगी, मगर होटल आने वालों से मैं एक बात कहूंगा, अब तुम्हारी वीडियो व्हाट्सएप पे वायरल होगी क्या? लवली स्पेंडिंग टाइम विद ऑल यू गाइस एंड बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। आई वुड से ये लॉकडाउन मेरा बहुत ही स्मूथ, बहुत ही रिलैक्स गया था बिकॉज ऑफ टिकटॉक एंड बहुत कुछ सीखने को मिला है। आई स्टार्टेड एडिटिंग माई ओन वीडियोज जो मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी कर पाऊँगा, ऑल थैंक्स टू टिकटॉक, अलग अलग क्रिएटिव वीडियोज बनाना। सो आई लव यू गाइज एंड आई विल मिस यू ऑल, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, आई मिस यू सो 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 मच। टिकटॉक के लिहाज से ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है क्योंकि सोशल मीडिया पर हर कोई टिकटॉक को लेकर चर्चा कर रहा है। ये एक ऐसा दौर है जहां पर अगर आप टिकटॉक को लेकर स्टैंड करते हैं तो आपको गालियां पड़नी तय हैं, आप ट्रॉल जरूर किए जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि टिकटॉक के जो बड़े यूजर्स हैं उन्हें सामने आना चाहिए और टिकटॉक को लेकर स्टैंड लेना चाहिए, खासतौर पर वो लोग जिन्हें टिकटॉक ने उनकी पहचान दिलाई है, इसके अलावा वो लोग भी जो टिकटॉक पर टैलेंटेड हैं। दरअसल कोई भी प्लेटफॉर्म पूरा बुरा या अच्छा नहीं होता, लोगों के आधार पर वो अच्छा बुरा होता है। इस दौर में जब ये कठिन दौर है, हम सभी को टिकटॉक के लिए स्टैंड करना चाहिए। और एक और ज़रूरी बात, हमें यह समझना चाहिए कि जो गलत होता है उसका समर्थन नहीं करना है। एसिड अटैक को सपोर्ट करना, लड़कियों का अपमान करना, हिंदू मुसलमान करना, ये कहीं से सही नहीं है। जो ऐसा करेगा, हम सभी को यह तय करना है कि सबसे पहले हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे, अपने प्लेटफॉर्म को हम बेहतर बनाएंगे और इस कठिन दौर से अपने प्लेटफॉर्म को निकालेंगे, उस प्लेटफॉर्म को जिसने हमें पहचान दिलाई है।